नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक्सरसाइज। राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए 2.2 है और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए 1.2 है। इसके अंदर हम सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे को दिया हुआ है प्राइम फैक्टर का, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का। सबसे पहली चीज कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, तो हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड वे संख्याएं होती है जिनका स्वयं का स्वयं में ही क्या जाता है, भाग जाता है, डिवाइड जाता है। यानी ऐसी संख्या जिसका खुद में ही भाग जाए, उसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाए, वे संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दो, दो में दो का ही भाग जाता है और किसी संख्या का नहीं जाता। तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह, उन्नीस, तेईस, ये सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दो में दो का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। तीन में तीन का ही जाता है और किसी का नहीं जाता। पांच में पांच का ही जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। सात में सात का ही जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। तो ये सब संख्या ऐसी है कि इनमें खुद का ही क्या जाता है, भाग जाता है, डिवाइड जाता है। इन संख्याओं में और किसी संख्याओं का डिवाइड नहीं जाता। तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य गुण संख्याएं कहलाती है। तो जब वो अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो हमारे को ऐसी ही संख्या लेनी है जिसमें खुद का ही क्या जाए, भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 140, 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, या इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए 140 के प्राइम फैक्टर हमारे को करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम डिवाइड मेथड काम में लेते हैं, भाग का सहारा लेते हैं। तो ये हमने रफ में करते हैं 140। तो 140 में सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का, कितनी बार जाएगा, 70। फिर हम देख रहे हैं 70 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 35 बार। अब 35 में 2 का भाग भी नहीं जाता, 3 का भाग भी नहीं जाता, तो किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 × 5 = 35। अब 7 में किसका भाग जाएगा, तो आप सबको पता है 7 में 7 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो हमने 140 के जो गुणनखंड है वो हो गए 2 × 2 × 5 × 7। ये हमने अभाज्य गुण कर दिए, लेकिन हमारी बोर्ड की कक्षा है इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसका रूप चेंज करते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 1 लगाना चाहो तो लगा दो, वैसे लगाने की जरूरत नहीं है। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमारे को संख्याएं दी गई है और उनके हमारे को क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। कि आपको अच्छे से कवर हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे हमने ले लिया 4, 6, 8, करें इसके अभाज्य गुणनखंड। इवन नंबर है, सम संख्या है, तो किसका भाग चल जाएगा, 2 का। अभी भी हम देख रहे हैं इवन नंबर है, सम संख्या है, वही 2 का भाग, 2 × 2, 2 × 2 और 7 × 2 = 14। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें इवन नंबर नहीं है, 7, 8 और 9,
तो इनका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 में किसका डिवाइड चल जाएगा, 3 का, 3 का लेके देखते हैं, 3 3 जा 9, तो 9 3 जा 17। अब वापस हम देख रहे हैं इसमें 3 का जा रहा है, अब इसमें 13 का जा रहा है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो गए हमारे 2 × 2 × 3 × 3 × 13। 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, और 13 कितनी बार है, यही हमारा क्या हो गया। तो इसी प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बाकी के सवाल आप खुद अपने सोच समझ के करें। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिए जाए, उनका सॉल्यूशन उनको बता दिया जाएगा। अब हमारा जो इसी के आगे इसका जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। कल हमने यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या पढ़ा था, एचसीएफ पढ़ा था। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा तो एचसीएफ ही ज्ञात होता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो इंपोर्टेंट टॉपिक है, गौर से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लें, और 40। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करने हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 96 के अभाज्य गुणनखंड, तो हम 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार आ रहा है, 96 के हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 404 की। 2 का दिया, फिर 2 का दिया, फिर 101 का दिया, क्योंकि 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसके टुकड़े क्या हो गए, 2 की घात 2 इंटू 101। यहां तक तो हम सब कर लेते हैं। अब हमें इसके द्वारा क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएम। ये चीज बहुत तसल्ली से सुनना है और फिर इसको फॉलो करना है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एचसीएफ। तो हमेशा ध्यान में रखना है, एचसीएफ के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़े लेते हैं। क्या लेते हैं, जोड़े। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि जोड़े के अंदर कौन सी संख्या लेनी है। जैसे हम देख रहे हैं जोड़ा किसका बन गया, 2 का बन गया, लेकिन इसमें कौन सी आएगी। तो एचसीएफ के लिए जिसकी पावर छोटी होती है, जिसकी घात क्या होती है, कम होती है, वही एचसीएफ में आता है। तो जोड़ा किसका बन गया, 2 का बन गया, आ गया 2। अब इस 2 में कौन सी लेंगे, सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात किसकी है, इसकी है, तो 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4। तो एचसीएफ कितना हो गया, 4। इसी प्रकार हम एलसीएम
एलसीएम में क्या आती है, सब कुछ आ जाता है। सब कुछ का मतलब यहाँ जो जो डिजिट लिखी है वो सब आ जाएगी, लेकिन उनमें कौन सी पावर आएगी, सबसे बड़ी पावर आएगी। तो पहले हम डिजिट की बात करें, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले डिजिट क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। फिर कौन सी डिजिट दिख रही है, 3 दिख रही है। फिर कौन सी डिजिट दिख रही है, 101 दिख रही है। ये 3 डिजिट दिख रही है यहाँ पर। अब लेकिन इसमें लेनी कौन सी है, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात। तो देखो 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 5। 3 की सबसे बड़ी तो 3 ही है, 101 की यही है। तो ये इसका क्या हो गया, हमारा एलसीएम। इसको हम सॉल्यूशन कर ले। 2 की घात 5 का मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करें, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 दुनी 6, 3 तिया 9। कर लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 101 से। तो 101 को किससे मल्टीप्लाई करें, 96 से। 6 एकम 6, 0, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 0, 9 एकम 6, 6 9 6। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 9,696। अब मैं थोड़ा रफ मिटा देता हूं, फिर आपको वापस एक बार रिपीट करा देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये हमारा रफ है, दोबारा गौर से देखें, दोबारा सुने मेरी बात। हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एससीएफ को निकालना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे को डिजिट दी है, जो भी हमारे को संख्याएं दी है, उनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 96 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड करे तो 2 की पावर 5 और कितने आ गए, 3 आ गए। इसी प्रकार जब हमने 404 के अभाज्य गुणनखंड करे तो 2 की घात 2 और 101 आ गए। ये हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमारे को इसके द्वारा क्या निकालना है, एलसीएम और एससीएफ। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, एससीएफ निकाला। तो एससीएफ के लिए मैंने आपको कहा, दोबारा सुने, कि एससीएफ में सिर्फ और सिर्फ जोड़े लेते हैं। क्या लेंगे, जोड़े, और जोड़े में वही डिजिट आएगी जिसकी पावर क्या होगी, कम होगी। तो हम देख रहे हैं 2 संख्याएं दी गई है और दोनों के अंदर 2 ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो जोड़ा किसका बन गया, 2 का बन गया। अब जोड़ा तो ले लिया, जोड़े में से कौन सी लेंगे, सबसे छोटी घात। तो दोनों में सबसे छोटी घात किसकी है, तो 2 की घात 2 है, सबसे छोटी घात। 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 4। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। दोबारा गौर से सुने, एलसीएम के लिए जितने भी डिजिट है सब डिजिट ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, लेकिन पावर कौन सी लेंगे, सबसे बड़ी पावर। हमने देखा यहां सबसे पहले डिजिट कौन कौन सी आ रही है, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 100, 3 डिजिट आ रही है। अब इन 3 डिजिटों में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, तो हम देख रहे हैं कि 2 की घात कितनी है, 5। ये सबसे बड़े हैं तो 2 की घात क्या आ गई, 5 आ गई। 3 अकेला है, 3 का 3, 101 भी अकेला है, 101 का 101। हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 9,696। इसी के द्वारा बोर्ड हमसे इसी में एक चीज और पूछ लेता है कि हमारे को जांच और करवाना है, प्रूव करवाना है, कि हमें देखना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला काम में लेते हैं। बाकी क्वेश्चन में फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन ये फार्मूला हमारे को याद रखना है। तो इसकी जांच के लिए हम एक फार्मूला काम में लेते हैं कि एलसीएम और एससीएफ जो है, इनका जो गुणनफल जो होता है,
वो हमारे इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसका फार्मूला बन जाता है एलसीएम इंटू एचसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल कह दो या दोनों संख्याओं का गुणनफल कह दो। ये हमारे किसका फार्मूला है, जांच का फार्मूला है। तो हम जांच करें तो देखो एलसीएम, एलसीएम कितना आया 9696, एचसीएफ कितना आया 4। इनको जब मल्टीप्लाई करें तो इनके मल्टीप्लाई के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। करके देखें, चार को छह से गुणा करेंगे 24, 24 का चार हासिल लगी, चार को नौ से गुणा करेंगे 36 और दो 38, 38 का आठ हासिल लगी 3, छह चौक 24, 24 और तीन 27, 27 का सात हासिल लगी 9, चौक 36, 36 और दो 38। तो हमने देखा इनको गुणा करने पर हमारे पास कितने आ गए, 38,784। तो यही संख्या इन दोनों में भी आनी, देखते हैं। पूर्णांक पहली डिजिट क्या थी 96, दूसरी डिजिट क्या थी 404। इनको मल्टीप्लाई करें, यहां कर लेते हैं 6 चौक 24, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 8 7 8 3 कितने आ गए 38,784। क्या ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम देख रहे हैं ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी हमारा एलसीएम और एचसीएम बिल्कुल सही है। ये हमारे को इस क्वेश्चन को जांचने का तरीका है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुने। सबसे पहले हमारे को जो भी संख्याएं दी जाती है उनके हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या लेते हैं, जोड़ा, और जोड़े में सबसे छोटी घात। तो हम देख रहे हैं जोड़ा किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है। दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा आपको दिख रहा है 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 4। फिर हम ले रहे हैं एलसीएम, एलसीएम में क्या लेते हैं, सब कुछ 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 101 भी आ गया। इसमें कौन सी लेंगे, सबसे बड़ी पावर, पावर तो सिर्फ 2 की है, 2 में सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की घात 5। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696 हमारे क्या आ गए, एलसीएम। अब इसका जांच करते हैं, तो जांच के लिए फार्मूला काम में लेना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोले एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जो भी हमारे को नंबर दिए उनका क्या कर ले, प्रोडक्ट कर ले। तो एलसीएम आ गया 9696, एचसीएफ आ गया 4, प्रथम नंबर 96, सेकंड नंबर 404। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहां पर एक विशेष नोट वाली बात है कि हमें ध्यान में रखना है कि यदि किसी भी संख्या में जोड़ा नहीं बने, पेयर नहीं बने, और हमारे से एचसीएफ पूछ ले, क्या पूछ ले, एचसीएफ, तो हमेशा ध्यान में रखना यदि पेयर नहीं बनता है, जोड़ा नहीं बनता है, तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक, क्योंकि एक का डिवाइड सब में जाता है। यहां ये मत सोच लेना कि पेयर तो बना नहीं तो एचसीएफ क्या आएगा, 0 0 लिखोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि किसी सवाल में जोड़ा नहीं बनता है, पेयर नहीं बनता है, तो उसका एचसीएफ क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और देखें हम कोई संख्या देखें,
हमने संख्या ले ली 90 और 144। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 90 के करेंगे, 2 का डिवाइड देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 5 का देंगे, तो 90 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए, अभाज्य गुणन क्या क्या हो गए, 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 5। 144 के टुकड़े करें, 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे। यहां आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे को अभाज्य संख्याएं ही लेनी है, बड़ी संख्याएं नहीं लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है? अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका नाम ही है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हमें संख्याएं भी कौन सी लेनी है? अभाज्य। ऐसे नहीं कि जल्दी करने के चक्कर में बड़ी संख्याएं लेनी। फिर 3 का दिया तो 144 के टुकड़े हो गए हमारे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। हमने क्या कर दिए? अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब हम क्या लेना लेंगे? पहले एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया क्या लेते हैं, जोड़े। तो जोड़ा देखो, एक तो दोनों संख्याओं में 2 आ रहा है और एक दोनों संख्याओं में 3 भी आ रहा है, तो 2 और 3 का क्या बन रहा है? जोड़ा बन रहा है। अब इन जोड़े में से कौन सी लेंगे? सबसे छोटी घात। तो इन दोनों में छोटा कौन है? तो सबको दिख रहा है कि छोटा कौन है? 2 ही है। लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है? तो सबको दिख रहा है सॉरी कि दोनों ही इक्वल है, तो कोई सा भी ले लो। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 का तो 2, 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो एचसीएफ कितना आ गया? 18। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या बताया? सब कुछ। तो देखो यार, कौन कौन सी डिजिट आ रही है? 2 आ रही है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही। ले लिया हमने सारी संख्याएं। अब इन सारी संख्याओं में क्या लेनी है? सबसे बड़ी पावर। तो देखो 2 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 4। 3 में सबसे बड़ी कौन सी है? 3 की पावर 2। 5 तो 5 है, तो ध्यान में रखना है एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ जोड़ा और उनमें सबसे छोटी पावर घात। एलसीएम में सब कुछ लेना है और सबसे बड़ी घात। इसको मल्टीप्लाई करें, रफ को मैं इरेज कर देता हूं। टू की पावर 4 है, यानी कि 2 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 16। 3 की पावर कितनी है? 2, यानी 3 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, तो कितने आ जाएंगे? मल्टीप्लाई करें, 16 × 9, 9 6 54, 9 1 9, 9 और 5 14। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, 5 और 20, 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, कितने आ गए? 720। ये हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया, निकाल लिया। अब इसकी जांच करें, तो जांच के लिए आपको क्या फार्मूला बताया? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पूर्णांकों का गुणनफल।
एलसीएम 720, एससीएफ 18, पूर्णांक कौन कौन सी संख्या है, 90 और 144, गुणा करें। 720 को किससे गुणा करना है, 18 से, जीरो, सिक्स, नाइन और ट्वेल्व, 12,960। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी यही आना चाहिए। नौ चौक 36 और तीन, नौ एकम नौ और तीन, हम देख रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया, इक्वल। तो यही हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें हम एलसीएम और एससीएफ निकालते हैं किसकी सहायता से, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। अब यदि हमारे को तीन डिजिट दे देंगे तो किसकी बात हो गई, दो डिजिट, कितनी डिजिट दे दे, तीन डिजिट दे दे। देखिए उसका भी एक क्वेश्चन, जैसे ही हमारा किताब का क्वेश्चन नंबर तीन है, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, अब इसको अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम और एससीएफ हमें फाइंड करना है। 40 के टुकड़े करें, फिर दो का दिया, फिर दो का दिया, फिर पांच का दिया, 40 के फैक्टर हमने कर लिए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। 36 के करें, 2 का दिया, 2 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 3 का दिया, 36 के टुकड़े हो गए, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 126 के टुकड़े करें, 3 का दिया, फिर 7 का दिया, फिर 7 का दिया, ये हमने सबसे पहले क्या कर लिए, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमारे को क्या लेना है, एससीएफ। तो एससीएफ में क्या बताया, क्या लेते हैं, जोड़े। यहां विशेष, यहां पर डिजिट कितने दिए, तीन दिए, तो जोड़े का मतलब तीनों में मौजूद होनी चाहिए। तो देखो ऐसी कोई डिजिट है जो तीनों में है, तो हम देख रहे हैं दो जो है वो तीनों में, इसका एससीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। अब जोड़े में कौन सी लेते हैं, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी पावर, तो इन तीनों में सबसे छोटी पावर किसकी है, 2 की है। तो यही हमारा क्या हो गया, एससीएफ हो गया। कई